नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ और बाई सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ। और मैं बाई सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ इक्विटी स्टॉक्स कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का देता हूँ। तो ये आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आप वीडियो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसमें और भी बहुत सारा चीज़ चार्ट का सेटअप ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है और भी बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग यूट्यूब चैनल आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं कल के लिए, मतलब 6 तारीख के लिए मैंने निफ्टी का डायरेक्शन बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एक्सपायरी में आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो अब मैंने जो वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग को कैसा लगता है, कैसे आप लोग को मतलब काम पे आता है नहीं आता है, कि आप लोग बाई सेल लेवल मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल देता हूँ तो आप लोग कमेंट करके माने मेरे को बता सकता है यूट्यूब वीडियो में, और नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर में मेरा जो यूट्यूब वीडियो में कर एंड में दिया जाता है उसमें आप लोग कमेंट करके बता सकता है। तो आप लोग मैंने जो बाई सेल लेवल कम सिग्नल कम स्किनर बना के मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी देता हूँ और ये चार्ट का जो एनालिसिस मैंने देता हूँ, तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकता है आप लोग को कैसा लगता है। तो देखिए, मैं कल के लिए जो मैंने बोला था कि निफ्टी का डायरेक्शन थोड़ा सा नीचे ऊपर ही रहेगा, लेकिन नीचे जाने का चांसेस कम है। कल का देखिए, कल से ये ऊपर ही गया था 60, कल ये 50% 61.8% से रिट्रेस होकर 50% में आता के रुक गया था, और आज ऊपर 38.2% में जाके ये 38.2% तक रिट्रेस हुआ है। तो इसमें और भी ऊपर जाने का ये कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउन वो इसका जो फिबोनाची लेवल है ये रिट्रेस होके नहीं ऊपर जा नहीं पा रहा है। ये 38% क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी अभी थोड़ा सा, मतलब इसमें जो आज का जो हाई है ये 12,100 तोड़ेगा तो ये 12,150 तक जा सकता है, लेकिन 200 का मतलब इसका क्रॉस करने का थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ये 12,150-160 तक ये ब्रेक करेगा तो ये 200 के ऊपर जा सकता है, और नीचे ये आ सकता है इसका 12,100-960 के नीचे ये 12,922 तक आ सकता है, और इसके बाद ये 11,800 के नीचे भी आ सकता है। और बैंक निफ्टी बैंक का जो मैंने दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक का भी ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। 32,122 में ये ऊपर गया, 32,022 तक आज गया था, ये 32,500 में इसका स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस है, वो अभी क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 32,122 में जो ये जाएगा तो 32,122 के ये ऊपर जाएगा तो ब्रेक करेगा तो इसका 32,200-32,300 तक ये जा सकता है, उसके बाद इसका फिर से ये रिट्रेस होके नीचे आएगा, और इसको 32,000-31,500 में इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो वो भी उसका आसपास ये आ सकता है। तो ये देखिए, मैंने चार्ट में एनालिसिस किया हूँ और जो ऑप्शन चेन मैंने देखूँगा, तो देखिए मैंने 12 दिसंबर नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने ऑप्शन चेन लिया हूँ, तो इस बार PCR रेशियो 1 के थोड़ा सा ऊपर है निफ्टी का, और इधर 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, और पुट साइड में इसका 11,900 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो देखिए, इधर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी टोटल ऑप्शन चेन में कॉल साइड में इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर टोटल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है,
कॉकपिट साइड में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का देखिए इधर 32,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर 31,500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और इधर ओपन इंटरेस्ट, टेंजिन ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है तो इधर से, तो इधर लगता निफ्टी में भी ऐसा रेजिस्टेंस में इसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मतलब उधर शॉर्टिंग होने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो इधर नीचे जो नहीं नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। इधर पीसीआर रेशियो 0.77 के आसपास है। और इधर मैंने प्रॉबिलिटी दिखाता हूँ, प्रॉबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, इधर 7 दिन का एक्सपायरिंग का में कॉल वोलेटिलिटी, कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बैठा के और करंट स्टॉक्स का प्राइस बैठा के 11,900 में इसका रेंज सपोर्ट है, 12,100 में सपोर्ट है। तो इधर अभी इसका प्रोबेबिलिटी तो इसका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही अप ट्रेंड में आप में दिखा रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। सभी मतलब कंडीशन नीचे जाने का ऊपर जाने सभी कंडीशन मैच नहीं करता है। तो मैंने इधर से बाय सेल लेवल कम सिग्नल कम स्किनर में मैंने रेगुलर बेसिस पे इसका थ्रू में आप लोग को व्यू देता हूँ, तो वो आप लोग फॉलो कर सकता है और उसको आप लोग फॉलो करता है क्या नहीं करता है वो देख आप लोग मेरे को बता सकता है, क्या कैसे लगता है, कैसे होता है, आप लोग को कैसे इस ये काम पे आ सकता है, कम का आ रहा है क्या नहीं, कम पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और इधर मैंने जो कॉल के लिए जो मैंने मेरा व्हाट्सएप पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कॉल दिया था, तो उधर भी आप लोग ज्वाइन हो के आप लोग कुछ दिन ये मैंने पूरा फाइल इधर उधर से शेयर कर देता हूँ, तो इसका सैम्पल फाइल का डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए कॉल के लिए जो बाय सेल लेवल 1 में मैंने जो कॉल दिया था आज 32,179 हाई हुआ था 31,705, मतलब मैंने जब डाटा लिया था 31,705 लो हुआ था। तो इधर देखते हैं मैंने बाय सेल दोनों साइड में ही आप लोग ट्रेड कर सकते थे, तो 31,988 में ये हाई हुआ है। तो देखते हैं चार्ट में, बैंक निफ्टी का चार्ट में, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ था 31,000, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ था 31,110 में, तो 31,110 में जब ओपन हुआ था, 31,110 में ओपन होने के बाद ये 157 तक हाई गया, 179 तक हाई गया था, 179 तक ये हाई गया था। तो इधर आप लोग इधर 100 मेरा एंट्री पॉइंट था 31,988, तो 100 तो इसके ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो आप लोग को कुछ प्रॉफिट आ सकता था। और इधर 31,834 में इसका सेल लेवल था, तो इधर 834 में जब इधर जब नीचे आया था 834 का नीचे, तब इधर आप लोग एंट्री लेते थे, तो 834 के नीचे, तो इधर आप लोग को इधर 726-705 तक ये नीचे आया था, 726 तक आप लोग को अच्छा प्रॉफिट देता दे सकता था लगभग 108 पॉइंट। और इधर बाय सेल लेवल 3 भी मैंने बनाता हूँ, एक बाय सेल लेवल 1 का बाय सेल लेवल कम स्किनर में बाय सेल लेवल 1, 2 और 3 रहता है, और बाय सेल लेवल 3 मैंने अलग से बना हूँ, वो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड लेवल है। इधर देखता है क्या हुआ है, तो इधर देखता है कि वो भी इधर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में मिला है, सॉरी आपने डाउन साइड में इसका लेवल आया था, अप ट्रेंड का ये नहीं गया था 32,504, डाउन ट्रेंड में 745 के नीचे आया था इधर, तो इधर लो हुआ था 732,705। और इधर इधर जो जब अप ट्रेंड में था, तो इधर डाउन ट्रेंड में जो है उसको देखना नहीं है, इधर बाय सेल लेवल में अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल भी रहता है, क्योंकि अप ट्रेंड जब ऊपर और भी ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको देखने के लिए आप लोग को अप ट्रेंड का बाय सेल मिलेगा। अप ट्रेंड जब नीचे आएगा, अप ट्रेंड का कोई स्टॉक्स या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं, अप ट्रेंड से नीचे आएगा तो कौन सा लेवल पर आप लोग को एंट्री